गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस पेज। ओके, इसमें एक स्टोरी सुनानी है जो कि अभी मैं आपको नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड फॉर्म में हमें प्रोपेल से मिलती हैं, अभी वो है नहीं। तो मैं आपको पोजीशंस बता देती हूँ इसमें यू लिसन अ स्टोरी। इसमें पूरा स्टोरी का ही बता रखा है और किस किस चीज़ की कौन सी पोजीशन है। ये जो पिक्चर है इसको आपको देख के बताना है। हु इज़ फार फ्रॉम द ट्री, ट्री से कौन सी चीज़ जो है वो फार है। अब देखिए, ये हमारा ट्री है, ट्री से कौन कौन सी चीज़ें दूर हैं। एक तो ये गर्ल, बटरफ्लाइज, ठीक है, ये दो चीज़ें जो हैं ट्री से दूर हैं। सेकेंड है, हु इज़ नियर द ट्री। नियर द ट्री क्या है? बर्ड्स हैं आपकी, ओके, मैं कलर दूसरा है, बर्ड्स हैं आपकी नियर द, बीज हैं, बीज के अलावा रैबिट भी नियर है ना, ये सारी चीज़ें नियर हैं। व्हाट इज़ ऑन द ट्री, अब ट्री के ऊपर क्या है? ऑन द ट्री आपका फ्रूट्स हैं और क्या चीज़ें हैं ऑन द ट्री, बीज भी ऑन द ट्री हैं, ठीक है। हु इज़ अबव द ट्री, अबव द ट्री कौन सी चीज़ें हैं आपकी। इसमें आप बर्ड्स भी ले सकते हैं अबव द ट्री में, ठीक है। और अंडर द ट्री, हु इज़ अंडर द ट्री, अब ट्री के अंडर क्या है वो आपको चेक करना है कि ट्री के अंडर क्या है। ट्री के अंडर जो है आपके रैबिट हैं, ओके, तो आप वो पिक्चर चेक करके आप इसको देख के बता सकते हैं। हु इज़ इनसाइड द बोरो, ब्रो, हु इज़ इनसाइड द ब्रो, दैट इज़ रैबिट। रैबिट का जो हाउस होता है वही ब्रो के अंदर होता है, ठीक है। व्हाट इज़ बिटवीन द रैबिट एंड गर्ल्स, रैबिट और जो गर्ल्स हैं उनके बिटवीन क्या है। ये हमारा रैबिट है, ये गर्ल्स हैं, इन दोनों के बिटवीन क्या हैं, ये बटरफ्लाइज हैं। हु इज़ आउटसाइड द ब्रो, आउटसाइड कौन है ब्रो के, वो भी रैबिट ही हैं, ठीक है। आउटसाइड यानी किसी चीज़ के बाहर, इनसाइड यानी किसी चीज़ के अंदर, बिटवीन यानि किसी दो चीज़ के बीच में, अंडर यानि किसी चीज़ को, कोई ट्री है ट्री के नीचे, तो हम उसे अगर आप ट्री के नीचे हो तो मैं कहूँगी यू आर अंडर द ट्री। अबाव, अबाव यानि ऊपर, ट्री के ऊपर क्या होते हैं, क्लाउड्स आप बोल सकते हैं। अगर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है तो मतलब जो भी चीज़ ऊपर से जा रही है आपके ऊपर से, तो आप उसे अबाव कहेंगे, जो भी चीज़ होगी वो अबाव होगी आपकी। ऑन यानी किसी चीज़ के ऊपर, अगर मान लो यहाँ पे आपका एक टेबल है, टेबल के ऊपर आपने बॉल रखी हुई है, तो बॉल इज़ ऑन द टेबल, आप क्या कहेंगे, बॉल इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। फार यानि दूर, नियर यानि पास, ऑन मैंने आपको बता दिया है, अगर आप बेड के ऊपर बैठे हो तो यू आर ऑन द बेड, अगर आप चेयर के ऊपर बैठे हो यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है। अबव मैंने आपको बता दिया कोई चीज़ आपके ऊपर होती है, अंडर आप किसी चीज़ के नीचे, यू आर सिटिंग अंडर द रूफ, यानी आप छत के नीचे बैठे हो, तो यानी अंडर, बिटवीन दो चीज़ के बीच में, जैसे अगर आप मम्मी और पापा के बीच में बैठे हो तो मैं कहूँगी यू आर बिटवीन योर मम्मी एंड पापा। इनसाइड, यू आर सिटिंग इनसाइड द रूम, कि आप रूम के इनसाइड हो। आउटसाइड, यू आर गोइंग आउटसाइड द हाउस, कि आप हाउस के बाहर जा रहे हो, किसी चीज़ के अंदर हो लेकिन आप बाहर जा रहे हो, तो आप ये वर्ड्स यूज़ करो, ओके। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपको अपने घर पर। बाय एंड हैव अ नाइस डे।